सबसे पहले वीडियो की शुरुआत एक फनी वीडियो से करते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से वीडियो है, मगर भाई आप इस वीडियो को देखो। सबसे पहले तो भाई वीडियो की वॉइस जो है वो लो कर लो या फिर हेडफोन पहन लो, क्योंकि जो सबसे पहली वीडियो है ना उसको देखकर शायद आपको मार भी पड़ सकती है अपने घर वालों की तरफ से। एक बंदा फीमेल सुपरस्टार को लो ब्लो मार रहा है और भाई लिटरली सबसे पहले तो वो अपने पैर से मारता है, फिर दो तीन बार हाथ से लो ब्लो मारता है और भाई उस लड़की को कोई असर ही नहीं हो रहा। अब उस बंदे को कौन समझाए कि भाई दो बॉल्स लड़कों के पास होती है, लड़कियों के पास थोड़ी होती हैं। बाकी अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं असर हो रहा लड़की को लो ब्लो का, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अपनी एक्सपर्ट राय को जरूर शेयर करना मेरे साथ, जिसका कमेंट मुझे सबसे यूनिक लगेगा मैं उसको पिन भी करूंगा। तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में एक अपडेट भी निकल कर आ रही है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करो। आज काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। अगर आप मेरे साथ पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। एंड चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट से। तो जेड कारगिल जो कि AEW की सुपरस्टार थी, उसने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है WWE के साथ। एंड ये न्यूज भी पता चल रही है कि जेड कारगिल ज्वाइन कर सकती है कोडी रोड्स, क्योंकि कोडी रोड्स और जेड कारगिल की काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। और भाई आप इस पोस्ट को देखो, मतलब 24 घंटों के अंदर अंदर 14 मिलियंस के आसपास इंप्रेशन हो चुके हैं इस पोस्ट के ऊपर, एंड ऑलमोस्ट 70,000 के करीब लाइक्स भी हो चुके हैं। और इतनी तो भाई रॉक के रिटर्न आने पर भी नहीं मिली थी हाइप जितनी इस फीमेल सुपरस्टार को मिल रही है। मतलब यार आप देख सकते हो कितनी ज्यादा तकड़ी हाइप है सुपरस्टार की। WWE के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं कि जिस तरह से फैंस ने जेड को एक्सेप्ट किया है। अगर बात करें रिटर्न की, तो रिसेंटली जेड ने परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है WWE के, तो आपको एक दो वीक के अंदर अंदर रिटर्न देखने को मिल जाएगा जेड कारगिल का WWE में। एंड ये सुपरस्टार NXT पर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। अगर NXT पर भेज रही है WWE तो भाई ये बिल्कुल बेकार डिसीजन हो सकता है WWE का। मेरे अकॉर्डिंग जेड कारगिल सीधा मेन रोस्टर पर ही अपना डेब्यू करने वाली है, या तो मंडे नाइट रॉ पर या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। एंड भाई इस सुपरस्टार को काफी ज्यादा सीरियस भी लेने वाली है WWE। साथ ही जेड कारगिल ने ये बताया है कि मेरा ड्रीम मैच है बियांका ब्लेयर के साथ मैच करना रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। मतलब आप देख सकते हो ये किस लेवल की सुपरस्टार होने वाली है, और ये शायद से रिया रिपली का अपोनेंट भी बनकर आ सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। बात करें अगली स्टोरी की, तो WWE इस बार फिर से सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम्स वाला मैच करवा सकती है। क्योंकि अगर आपने मंडे नाइट रॉ पर देखा होगा, रॉ की एंडिंग मूवमेंट पर बहुत ज्यादा बवाल मच गया था सुपरस्टार के बीच, जिसमें एक तरफ तो हील सुपरस्टार थे जिसमें जजमेंट डे के सारे मेंबर्स थे JD मैकडॉनल्ड को मिलाकर, एंड दूसरी ओर फेस सुपरस्टार थे जे उसो कोडी रोड सैमी जेन एंड केविन ओवेंस। तो भाई कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है यहाँ इन दोनों टीम के बीच, क्योंकि जिस तरह से भाई WWE इन सभी सुपरस्टार के अंदर क्रॉस ओवर करवा रही है, तो कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलेगा, एंड ये बिना रीजन के तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बात करें रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस का मैच सेथ रॉलिंस के साथ ही होगा करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस साल का सर्वाइवर सीरीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। तो मैं आपको रोड टू रेसलमेनिया की डेट्स बता देता हूँ एक बार एक साथ। तो सबसे पहले तो रॉयल रंबल जो कि फ्लोरिडा में होने वाला है, ये हमें 27 जनवरी को देखने को मिलेगा। इसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, इसकी डेट 24 फरवरी की है। एंड लास्ट में रेसलमेनिया 40 जो कि इस बार फिलाडेल्फिया से लाइव होने वाली है, एंड ये आपको 6 अप्रैल को Night 1 एंड 7 अप्रैल को Night 2 देखने को मिलेगी। तो इस साल का रोड टू रेसलमेनिया भी काफी ज्यादा तकड़ा होने वाला है। मैं तो भाई अभी से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ रोड टू देखने के लिए। क्या आपको पता है कि शील्ड के तीनों मेंबर में से सिर्फ सेथ रॉलिंस ही अकेले ऐसे बंदे हैं जिन्होंने आज तक कभी भी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में फाइट नहीं किया है। रोमन रेंस ने तो ऑलरेडी लास्ट ईयर ब्रॉक लेसनर के साथ फाइट किया था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में समर स्लैम के अंदर। एंड बात करें डीन एम्ब्रोस की, तो डीन एम्ब्रोस भी ऑलरेडी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैचेस के अंदर फाइट कर चुके हैं। सबसे पहले तो केविन ओवेंस के साथ, एंड दूसरा 2019 में ड्रू मैकेंटायर के साथ। अब ये सेथ रॉलिंस का पहला मैच है अपने कैरियर का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जो कि ऑस्टलेन के अंदर होने वाला है शिंस्के नाकामोरा के अगेंस्ट। क्या लगता है आपको, क्या सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत पाएंगे? नो डाउट वो अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग शिंस्के नाकामोरा से फास्ट लेन के अंदर। बाकी आप अपनी प्रेडिक्शन को भी ड्रॉप कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट की। तो आप मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आप ब्रॉक लेसनर का क्या सीन है, क्या ब्रॉक लेसनर के बारे में कोई न्यूज नहीं देते? तो मैं आपको ब्रॉक लेसनर की लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ कि क्या स्टेटस है ब्रॉक लेसनर का WWE को लेकर। तो WWE ने एडवर्टाइज किया था क्राउन ज्वेल के लिए ब्रॉक लेसनर को। तो ब्रॉक लेसनर का जो कोडी रोड्स के साथ मैच हुआ था समर स्लैम के अंदर, उस मैच में ब्रॉक लेसनर इंजर्ड हो गए थे, तो इस वजह से क्राउन ज्वेल वाला जो पेपरव्यू है वहां पर शायद से आपको ब्रॉक लेसनर नहीं देखने को मिलेंगे। अगर बात करें रिटर्न की, तो ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर हमें जनवरी के महीने में देखने को मिलने वाले हैं WWE में। मेरे ख्याल से रॉयल रंबल से बेहतर और परफेक्ट जगह और कोई हो नहीं सकती। तो भाई मेन बात ये है कि आपको 2023 में तो बिल्कुल भी नहीं देखने वाले ब्रॉक लेसनर। क्या आप ब्रॉक लेसनर को मिस कर रहे हो? कमेंट्स में अपनी थर्ड एम्पायर वाली राय जरूर ड्रॉप करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान।